आई थी, समझने की कोशिश करनी। जिस प्रकार से अपन पढ़ रहे थे क्लोरोफॉर्म CHCl3, क्लोरोफॉर्म आयोडोफॉर्म, इस तरह ब्रोमोफॉर्म भी बनेगा CHBr3। यस या नो? अपन वन बाय वन इनको देखेंगे। क्लोरोफॉर्म को अपन बना चुके, क्लोरोफॉर्म की प्रॉपर्टी देख चुके, कैसे स्टोर किया जाता है ये देख चुके। स्टोर करने के लिए मैंने बताया था कम से फिल करके करना होता है, सनलाइट से बचाना होता है, वरना ये फास्ट चेन बना देता है COCl2। बताया था कि नहीं बताया? यस या नो? इसी तरह आयोडोफॉर्म भी क्लोरोफॉर्म की तरह ही बी प्रोटेक्टर रखना पड़ेगा अपने को। सबसे पहले आयोडोफॉर्म की प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं अपन, CH3CH2OH रिएक्शन में पहले बता भी चुका हूं, दो कार्बन है, OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसके साथ जुड़ा हुआ है, एथेनॉल बन गया। क्या बन गया? एथेनॉल की रिएक्शन 4 आयोडीन से करवा रहा हूं, 6 NaOH की प्रेजेंटेशन में हमारा मेन प्रोडक्ट बन गया CHI3। क्या बन गया? CHI3 ट्राई आयोडो मेथेन बोल सकते हैं इसे। क्या बोल सकते हैं? ट्राई आयोडो। बेसिक नाम क्या बन जाएगा? जो से बोलो आयोडो फॉर्म HCOONe सोडियम मेथॉक्साइड प्लस सोडियम आयोडाइड और 5 मॉलिक्यूल वॉटर के लास्ट में रिलीज हो गए। जब वॉटर रिलीज हो रहा है इट मींस हम कह सकते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? डिहाइड्रेशन। जब हमने आयोडोफॉर्म को प्रिपरेशन कर लिया उसके बाद अपन इसकी प्रॉपर्टीज देखना चाहेंगे। प्रॉपर्टीज का मतलब किस प्रकार से अपन इसे पहचानेंगे, सर ये वॉटर सोल्युबल है कि नहीं, कैसे कलर का होता है, किस प्रकार से केमिकल रिएक्शन शो करता है। तो पहला ये येलो कलर का होता है और सॉलिड स्टेट में होता है, बट सॉलिड स्टेट में होता है ओनली NTP पर। सॉलिड स्टेट में होता है ओनली NTP बोले तो नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। जब तक हम टेम्परेचर और प्रेशर में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं करेंगे आयोडोफॉर्म इज सॉलिड स्टेट ऑफ येलो कलर। यू अंडरस्टैंड? नेक्स्ट आ रहा है मेल्टिंग पॉइंट 382 केल्विन होता है, 382 केल्विन मेल्टिंग पॉइंट होता है आयोडोफॉर्म का। अगला आ रहा है वाटर इनसॉल्युबल होता है। उसके बाद इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम देखना चाहें तो ये वाटर से रिएक्शन कैसे करता है, एयर से रिएक्शन कैसे करता है, किस प्रकार के प्रोडक्ट बनाता है, कैसे अपन इसको स्टोर कर सकते हैं, किस किस से रिएक्शन करके कौन सी गैस बनाता है, पॉइजनस गैस बनाता है या नॉर्मल गैस बनाता है। तो पहला आता है रिएक्शन विद एयर, रिएक्शन विद एयर CHI3 आयोडोफॉर्म है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रहा है, 3I2 ओनली आयोडीन बना रहा है डियर, ओनली आयोडीन बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज कर रहा है लास्ट स्टेप में। क्या रिलीज कर रहा है? CO2 और H2। ये भी कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? डिहाइड्रेशन रिएक्शन हो जाएगी। नेक्स्ट वन रिएक्शन विद एजी पाउडर, रिएक्शन विद एजी पाउडर, सिल्वर पाउडर से किस प्रकार से रिएक्शन कर रहा है CHI3। क्या होता है? आयोडोफॉर्म के 2 मोल होते हैं, 6 एजी पाउडर से हैवी टेम्परेचर पर रिएक्शन कर रहा है और ये प्रोडक्ट बन रहा है। पहचानिए क्या बन रहा है? 1 और 2 टू कार्बन के लिए 8 होता है और ट्रिपल बॉन्ड साथ में आ रहा है, एथाइन बन रहा है। क्या बन रहा है? एथाइन। और क्या बना? AgI सिल्वर आयोडाइड। क्या बन गया? सिल्वर आयोडाइड। इसकी वैलेंसी कंप्लीट करके देखना चाहें तो CH इसका मतलब ट्रिपल बॉन्ड से 3 कार्बन जुड़ गए, चौथे बॉन्ड की वैलेंसी पूरी करने के लिए एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर, और इसे हम कह सकते हैं एथाइन। एनी डाउट दिस टॉपिक? ओके।